अहीर हूँ मैं। मेरा नाम राजू यादव है, ग्राम बारगी की रहने वाला हूँ। वहाँ से 8 बजे चराने के लिए ले जाता हूँ, फिर 11 बजे खिरखा फिर ले जाता हूँ, 1:30 बजे फिर उसेल के ले जाता हूँ गाय को चराने के लिए, शाम को 5:30 बजे फिर घर लाता हूँ। पहले भविष्य में मतलब हम भी नहीं जानते, उस समय जो है गांव में यहाँ पे चरवाहे की यादव लोगों की संख्या नहीं थी, एक भी नील थी मतलब, तो यहाँ चराने की समस्या जाती थी, हर लोग नहीं चरा पाते थे। तो दूसरे गांव से जैसे कि यदि सोनहर बटवार है, तो ये लोग की आबादी जो है सोनहर बटवार की साइड से है, तो यहाँ ला के इनको बसाया गया था सियाने लोग जो है, कि आप हमारे गाँव में रहो, ये जगह है, यहाँ घर बना लो और आप यहाँ रह के और हमारी मवेशियों को चराएं। हर घर में 4 गाय 3 गाय 2 बैल होते हैं, तो हर घर से 1 गाय का हमको साल में 7 कुड़े धान देते हैं। उस टाइम में वो हर त्यौहार को, जैसे दीपावली है, जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी उन लोगों के लिए विशेष यानी बिल्कुल प्रथम त्यौहार था। जैसे गांव के लोग जिसके यहाँ अगर गाय दूध दे रही है, तो उसको वो शाम के आके और बता देता था कि भैया आज दूध किसी, कल सुबह का दूध किसी को मत देना, दूध मैं ले जाऊँगा। तो उसको हम फ्री में दूध देते थे। दीपावली को फिर गाय की वो छाहुर छोड़ने का काम करते थे। जैसे हमारे गाँव में मंडई लगता था, लगा ही रहा है ऑलरेडी, अभी भी लग रहा है। तो वो दीपावली के बाद वो अपने नहीं करते थे सर, छाहुर छोड़ते थे, घर जगाते थे, कोठा जगाते थे, खनियार को जगाते थे, वो पाए में पैरी वगैरह पहन के आते थे और 12-1 बजे रात के वो खनियार तक के कोठा से खनियार पूरा वो जगा के जाते थे। एक जगह नहीं चराते, कभी इस साइड ले जाते हैं, कभी दूसरे साइड ले जाते हैं, चारा नहीं रहता है, वहीं वहीं ले जाएंगे, चारा कहाँ मिलेगा मवेशी को, इसलिए दूसरे जगह जगह बदला के चराते हैं। जैसे क्षेत्रवार रहता है, कभी इधर चराते हैं कभी इधर चराते हैं, तो उधर भी पेड़ पौधे रहते हैं फल खाने वाले, तो उनको खाती है मवेशी, और खाने के बाद भी दूसरे दिन फिर दूसरे एरिया में ले जाते हैं, तो वो जो गोबर करते हैं मतलब उसमें तो कुछ बीज रह जाते हैं पचने में, तो वो गिरते हैं, तो उनसे भी वो पेड़ पौधे उगते हैं दूसरे एरिया। नहीं, जैसे अड़चन आ जाता है, झाड़ आड़ में कहीं फंस जाते हैं, तो उसको अब बुचकाने के लिए काटने पड़ता है, नहीं तो जंगल में कुछ घास तो नहीं होता, अभी तो नहीं हुआ है। यही तो अभी आप राम फूल खोद रहे हैं, हो सकते इधर पौधा लग जाएंगे, तो फिर मवेशी ले जाने में दिक्कत आएगी ना, कहाँ से ले जाएंगे, रोड़े लेके ले जाएंगे, रोड़े लेके लाएंगे फिर। मतलब मवेशी तंदुरुस्त नहीं रहती, जो दूध पहले 2 लीटर देती थी आज वो 1 पाव देती है, 6 महीने के बाद में वो शून्य हो जाती है, तो इस कारण से दूध दही का भी समस्या जा रही है। समय कारण वही है कि उनको जो है ये धान का सूखा पैरा मिलता है, और जंगल में भी जाते हैं तो उतनी घनी झाड़ियाँ नहीं रह गई हैं, मतलब विरल हो रही हैं, तो इस कारण से भी समस्या जा रही है। पहले गायकी के माध्यम से हम लोग चरवाते थे मवेशी, उस टाइम में हमारे यहाँ 20-25 गाय थे, गाय बैल पूरे, और अभी जब हम चरा रहे हैं तो हमारे यहाँ 8-10 गाय, किसी के यहाँ तो वो भी नहीं है, वो चराने के हेडक की वजह से सब छोड़ दिए, बेच दिए मवेशी अपने। पर अब जैसे जैसे दिन बदल रहे हैं ऐसे इनकी सोच ही बदल रही है, अब ये यहाँ के स्थायी निवासी हो गए हैं, तो इनका भी मानना है कि हम अब मवेशी थोड़ी चराते रहेंगे, हम भी तो आगे बढ़ना है, तो इस तरीके से कर रहे हैं। नहीं करेंगे वो काम, ये उनको नहीं करवाना देंगे, उनको पढ़ाऊंगा, अच्छा शिक्षक दूंगा उनको, जो हम कर लिए तो कर लिए, पर बच्चों को नहीं करवाना है ना, उनको पढ़ाना है।